जब हमने बात को रखा था तब उन्होंने ठीक माना था, अब उसी को सिर्फ कांग्रेस को कैसे दुख पहुंचाएं या कोशिश करें इसलिए उन्होंने इसको बताया, ये अनैतिक काम है, उसका कोई मतलब नहीं है और जीतना वहाँ दूर दूर तक उनको नहीं है, लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने की बात करते हैं, लेकिन जब बहुमत आपके पास नहीं है, कुपाशे जीत के नहीं आया, फिर भी आप सिर्फ टोकन से एक चुनाव कराने के लिए नामांकन भरवा दो, ये दिखाता है कि कितना इनसिक्योर और कितना दिवालिया है उनके पास पार्षदों का और जीतने वाले कैंडिडेट्स का। सर इलेक्ट्रल बॉन्ड जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे अध्यक्ष बनेंगे, 49 जगहों पर चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत सिर्फ 6 जगहों पर था, उसके बाद वो आरोप हम पे लगा रहे हैं, लेकिन कोशिश भाजपा पूरी कर रही है विधायकों को तोड़ने की, निर्दलियों को अपने पक्ष में करने की, लेकिन जो जीत कर आए हैं विधायक पार्षद, चाहे निर्दलीय हों या छोटे दल के भी हों, वो सब चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर आगे काम करें, लोगों को विकास अपना चाहिए। तो आज जो मतदान होगा मुझे लगता है जितनी हम उम्मीद करते हैं, जो आंकड़े मैंने पहले आपको बताए थे, उससे कहीं ज़्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे और कल उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, तो इन दोनों दिनों में लगता है अच्छी सफलता कांग्रेस पार्टी के लोगों को मिलने वाली है। भर में हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया है कि देश में जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई है, जो मंदी का दौर चल रहा है, जो नौजवान लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, उसके खिलाफ केंद्र सरकार की नींद खोलने के लिए हम लोगों ने आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में किया है। आप जानते हैं इससे पहले हमने राज्य भर के तमाम जिलों पर ज्ञापन दिए, धरने दिए हैं और 29 तारीख को हम जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से लेकर सिविल लाइंस फाटक तक हम पैदल मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी देंगे प्रधानमंत्री जी के नाम, क्योंकि देश में जो चल रहा है केंद्र सरकार का ध्यान उस पर केंद्रित नहीं है, सरकार बनाने बिगाड़ने में, जज्बाती मुद्दों को राजनीति में लाने का, लेकिन जो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी मेकिंग है, जो आर्थिक वातावरण है वो इतना ख़राब हो चुका है, उसका संज्ञान लेकर उस पर काम करने की कोई पहल सरकार ने करी नहीं। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र सरकार स्वीकार करती कि आर्थिक मंदी आई है, हमने फला फला कदम उठाए हैं। अब लगातार पिछले कई महीनों से राजनीतिक चर्चा हो रही है, लेकिन रोजी रोटी की, नौकरी की, व्यवसाय की, छोटे कारखानों की, उनकी मदद के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हमारा 29 तारीख को जो आह्वान होगा वो प्रदेश में तमाम कांग्रेसियन इकट्ठे होंगे जयपुर के अंदर और 14 दिसंबर को नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी, उसमें पूरे देश भर के कार्यकर्ता आएंगे, आमजन आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की नींद तोड़ने का जो हमारा ये अभियान है इसमें हम कामयाब होंगे हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स का संज्ञान लेने के बाद अच्छा निर्णय दिया है कि समय रहते ही जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, क्योंकि संख्या बल का जनाधार दिखाने का जो सही माध्यम है वो सदन का पटन है और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 5 बजे से पहले विभाजन कर स्थिति स्पष्ट होने का जो निर्णय लिया है उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए और इतने दिनों से जो खींचतान चल रही थी उस पर विराम लगकर जो जिसके पास संख्या बल है उस दल उस सरकार की जीत होनी मैं समझता सुनिश्चित है, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगे इसमें खरीद फरोख के, विधायकों को बालाबंदी करके ले जाने के, तोड़ने के, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान हुआ है और सरकार का निर्माण करना है जनता की सेवा के लिए, वनस्पत सत्ता की जो भूख है उस भूख को पूरा करने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का इसका मैं स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि कल शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी हो इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अंततः ये संविधान हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, इस संविधान की मान्यता को सिर्फ शब्दों में भाषणों में प्रयोग करें वो नाकाफी है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसका अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि संविधान की जो मूल भावना है उसको ताक पे रखकर हम सत्ता की राजनीति करते हैं या उसका उल्लंघन कर कर उसकी मान मर्यादा को तितर बितर कर देते हैं, तो आज देशवासियों को और खासकर राजनेताओं को ये संकल्प लेना चाहिए कि संविधान के निर्माताओं ने जो सपना देखकर ये इसको लिखित बना था, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और बड़े बड़े देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद उसका सारांश निकालने के बाद इस भारत के संविधान का निर्माण हुआ और हम ये गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, क्योंकि संविधान मजबूत है। संविधान की जो भावनाएँ हैं उसको प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे ना रखते हुए संविधान की मूल भावना को हमेशा प्राथमिकता देंगे। आज संविधान दिवस है और बहुत से ऐसे हमारे साथी देश में हैं जिनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी भावनाएं क्या हैं, प्रीएम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है सुरक्षा का, एक सामान्य जीवन जीने का और कानून की नज़र में हर व्यक्ति एक है और सब कुछ लिखित में है, तो
तो यही हमारी पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और आज वो दिन आया है, हम सब पूरे देशवासी संकल्प लें कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। काफ़ी लोग कल भी कुछ लोगों ने अपनी बात को रखा है, मुझे लगता है बात रखने का अधिकार सब लोगों को है, लेकिन कहीं पर भी हमें जो डिसिप्लिन है या कानून व्यवस्था है उसको कहीं दूर दूर तक भी हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। मुझे दुख हुआ जब कल की घटना के बारे में जानकारी मुझे मिली। सरकार पूरी तरह गंभीर है, जो अलग अलग संबंधित मंत्री हैं उन सब से हम लोग बात करेंगे, कहीं अगर कानूनी रोड़ा अटका हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे। हमारी मंशा स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की और सरकार की कि नौजवानों को रोज़गार दिलाना है। अगर नई भर्तियों की बात है या पुराना बैकलॉग है या कहीं पर कुछ लीगल इश्यूज आए हुए हैं उन सबको हम हटाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन सब लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। आज भी मुझे काफ़ी बच्चे बच्चे यहाँ के मिले हैं और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि सरकार के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि ये पूरे देश भर में, और ये बात सब जानते हैं कि 97% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डोनेशन आया है वो मात्र एक पार्टी को आया है, रूलिंग पार्टी को। दुनिया में किसी देश में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि रूलिंग पार्टी या एक सत्ताधारी दल को 97% डोनेशन मिले। तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह इसको पूरे सिस्टम को बनाया है इसमें गोपनीयता भी है लेकिन कुछ लोगों को पूरी जानकारी भी है। भय और खौफ का माहौल बनाकर लोगों को भयभीत कर चंदा इकट्ठा करना, और थोड़ा बहुत नहीं हजारों करोड़ रुपये का एकत्रित कर एक पार्टी के पैसे खाते में आ जाए और बाकी किसी दल को आप वंचित रखें, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इसमें काले धन का प्रयोग तो नहीं किया गया है। और सदन के अंदर दिल्ली में लोकसभा में विधानसभा राज्यसभा में कई बार इस बात को उठाया गया है लेकिन सरकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। तो जो लोग कहते हैं कि कोई स्कैंडल नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ, काले धन को हमने ख़त्म किया है, उनको जवाब देना चाहिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपये सिर्फ आप ही के दल को क्यों मिले हैं। ऐसा क्या है इस दल के अंदर कि बाकी किसी पार्टी किसी नेता को कोई चंदा देना नहीं चाहता। ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, बड़ा स्पष्ट है।